हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज है संडे और आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर डिस्क्राइब करेंगे आपको। कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो एक तरह से आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं, ठीक है, ताकि आपका जो डेंटल हेल्थ है वो ठीक रहे, ठीक है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डेंटल वीनियर्स के बारे में, उसकी क्या कॉस्ट पड़ती है इंडिया में, ठीक है, और क्या इसके टाइप्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे इसको करते हैं और कौन कौन से दांतों में करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, इस बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेंटल वीनियर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो लोग चैनल में नए हैं, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आपको टाइमली मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डेंटल वीनियर्स, डेंटल वीनियर्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कईयों के दांतों में गैप होता है, दांत पीले होते हैं, तो एक तरह का ये एक हो ट्रीटमेंट है, ठीक है, डेंटल वीनियर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट माना गया है, ठीक है। क्राउन्स की वीडियो आपने देखी होगी, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि डेंटल क्राउन्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बेस्ट डेंटल क्राउन जो यूज़ किए जाते हैं जिरकोनिया और मैंने ई मैक्स के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, बट आज की वीडियो है जो वो डेंटल वीनियर्स के ऊपर है। डेंटल वीनियर्स क्या, अगर आपके दांतों में गैप है, अगर आपके दांत छोटे हैं, नॉर्मल साइज से दांत छोटे हैं, दांतों में गैप है, दांत में पीलापन है जो नहीं जा रहा स्केलिंग से भी, तो वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो वीनियर्स क्या होते हैं, ये पोर्सलिन के बने होते हैं, इसका मटेरियल जो होता है पोर्सलिन का होता है, ये लैब में तैयार किए जाते हैं। और इसका प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर इसका यही होता है कि आपका जो जो टूथ है आप फोटो में देख सकते हो, उसको नॉर्मली बिल्कुल मिनिमम टू मिनिमम रिड्यूस किया जाता है, ताकि वो जो वीनियर्स हैं, एक तरह से कैप होती है, आप ये मान लो कि कैप तो पूरी फुल क्राउन होता है, ये हाफ होता है, एक तरह से उस पर फिट किया जाता है, आप फोटो में देख सकते हो। इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम इसका जो क्राउन इसकी कटिंग करते हैं वीनियर्स के लिए टूथ की, मिनिमम टू मिनिमम रिड्यूस करेंगे उसको, ठीक है, रिड्यूस करने के बाद उसका इंप्रेशन लिया जाता है, उसके बाद उसको लैब में भेजा जाता है। और नॉर्मली ये नहीं है कि कोई भी लैब हो, मेट्रो सिटीज़ में कोई अच्छी जगह पे ये तैयार होता है, मतलब इसमें परफेक्शन, जो परफेक्ट बंदा है जो लैब में, जो आर्टिस्ट एक तरह से जो बेस्ट लैब मानी गई है, वहाँ पे ये पोर्सलिन तैयार होता है, पोर्सलिन के जो ये क्राउन्स हैं वो तैयार होते हैं। तो वीनियर्स जो तैयार होते हैं, तो ये कौन कौन से, कितने इसके टाइप्स हैं, इसके नॉर्मली 5 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो इसको बोलते हैं परमानेंट वीनियर्स, जो कि पोर्सलिन भी जिसको बोलते हैं नॉर्मली, परमानेंट वीनियर्स। सेकंड होता है इसके बाद कॉस्मेटिक वीनियर्स, और उसके बाद होता है पैलेटल वीनियर्स, ल्यूमिनस वीनियर्स होते हैं, और लास्ट में होता है शेप ऑन वीनियर्स, ठीक है। ये 5 इसके टाइप्स हैं वीनियर्स के। नॉर्मली जो ज़्यादा यूज़ करने वाला चीज़ है परमानेंट वीनियर्स होते हैं, जो कि जिसको बोलते हैं पोर्सलिन वीनियर्स, वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक वाले भी यूज़ करते हैं बंदा, बट बहुत कम। तो ये 5 टाइप्स होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे यही जो ऊपर से जो चीज़ें हैं। प्रोसीजर क्या होता है, वही क्राउन कटिंग करके इसको नॉर्मल इंप्रेशन लेके और लैब में भेज दिया जाता है। और एक चीज़ ध्यान में रखें, ये जो ट्रीटमेंट है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है, एक्सपेंसिव मतलब 8 से 15 हज़ार के बीच में इसका सिंगल क्राउन लगता है, जो सिंगल डेंटल वीनियर है वो लगता है पर टूथ। अब कमेंट बॉक्स में कई बार आता है कि डॉक्टर साहब ये 8 से 15 पूरा बता रहे हो, कि मतलब ये जो 15 हज़ार बता रहे हो सारे दांतों का है, 6 या 7-8 दांतों का है? नहीं, वो सिंगल का है, इसलिए कह रहा हूँ एक्सपेंसिव टूथ है, और ये लंबा टिकता है, ठीक है, गारंटी होती है इसकी, लंबा चलता है, और इसका ट्रीटमेंट बेस्ट माना गया है जो डेंटल वीनियर्स का है। और आपकी जो नेचुरल लुक है दांत की, अगर आपके शेड अच्छा है दांत का, तो आपकी लुक बहुत अच्छी आएगी। और आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि अगर एंटीरियर टूथ में आपको जरूरत है, मतलब अगर 5 से 6 दांत मिनिमम, इसमें 6 दांत लगेंगे, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 6 दांत लगेंगे अगर एंटीरियर में आपकी डिस्कलरेशन है, दांतों में पीलापन है। ये नहीं है कि 2 या 3 दांत लगा दिए, जब आप स्माइल करोगे तो वो 2 दांत या 3 दांत अलग दिखेंगे और पीछे के अलग दिखेंगे। तो ये है कि मिनिमम अगर आपकी जो अगर जो आपकी डिस्कलरेशन है वो एंटीरियर्स में है, तो मिनिमम टू मिनिमम 6 दांत का आपका लगेगा, जिससे क्या होगा, 6 दांत कवर होंगे, तो मतलब स्माइल में भी आपको दूसरे को देखने, जो देख रहे हैं आपको, उसको आपकी स्माइल अच्छी लगेगी देखने में। तो ये चीज़, ये नहीं है कि आप इसको कहीं पर भी करा लें, ठीक है, परफेक्ट डेंटिस्ट के पास जाएँ, ठीक है, और परफेक्शन ही मेन चीज़ है, क्योंकि ये आर्टिस्ट की तरह काम है,
जितना अच्छा लैब वर्क होगा, जितना अच्छा काम होगा, उतना ज़्यादा आपको परफेक्शन मिलेगी काम में। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। और एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो मेरा जो इस ये वीडियोज़ बनाने का एक ही मोटिव है कि आपको डेंटल हेल्थ जो आपकी है उससे आपको एक तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है, ताकि आपके जो जो ट्रीटमेंट है वो बेस्ट हो, आपका नुकसान ना हो। ये नहीं है कि आपका पैसा भी वेस्ट हो रहा है और आपका ट्रीटमेंट भी नहीं हो पा रहा, मतलब वही आपको रिपीट कराना पड़ रहा है दूसरे डेंटिस्ट के पास जाके। तो ये है कि अपना बेस्ट ट्रीटमेंट ही कराएं। लोकल यमुनानगर में ही पड़ता है मेरा श्री श्याम डेंटल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल के पास, ससोली रोड पे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। चलो 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 कवर कर भैया चलो।